लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया जिसे स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया है। प्रस्ताव की मंजूरी मिलने के बाद पक्ष विपक्ष के नेताओं के तीखे प्रहार शुरू हो गए हैं। यह तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है, और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। मेरे ख्याल में बेस्ट है कि स्पीकर जल्दी तय करें कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर चर्चा हो जाए। वैसे भी आपको पता है कि परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री को वापस आके जवाब देना पड़ेगा, तो वैसे भी उस वक्त इस विषय पर उनका बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन इसको पोस्टपोन करके ये जो हंगामा चल रहा है हाउस के अंदर, उसमें सारे बिल्स को पास करना बिना चर्चा बिना बहस, ये तो देश के लिए अच्छा नहीं है, हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए बहुत खराब है। तो लाएं तो अच्छा, उस पर बहस होगी, जवाब दिया जाएगा। और अच्छा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा में केवल मणिपुर नहीं है, बिहार की भी चर्चा होगी, बंगाल की भी चर्चा होगी, राजस्थान की भी चर्चा होगी, क्योंकि वो किसी एक विषय पर तो होगी नहीं चर्चा, सारे विषयों पर होगी और हर विषय का हम जवाब देने के लिए तैयार है। अब तो स्पीकर का काम है कि कब तिथि निर्धारित करते हैं, और सबों को मालूम है कि इसका निष्कर्ष क्या निकलने वाला है, इसका परिणाम क्या निकलने वाला है। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट होता है, अब स्पीकर को टाइम देना है कि किस समय इसको टेकअप करेंगे। वैसे तो परंपरा ही रही कि ओवर राइडिंग प्रायोरिटी दी जाती है, सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, सारा काम रोक के पहले उस पर चर्चा होती है, तो मुझे लगता है उसी पर पार्टी का पालन करना चाहिए। विपक्ष को तो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं था, उनको 2014 से ही कॉन्फिडेंस नहीं है, वो 2018 में भी लाए थे, ये सदन का टाइम बर्बाद करते हैं। सरकार बार बार ये कह रही है कि सरकार बहस चाहती है सदन चलाओ, सरकार बहस चाहती है सदन चलाओ, और विपक्ष हम शोर मचा रहा है इसलिए सदन नहीं चल पा रहा। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के आने के बाद सरकार मजबूर हो जाएगी सदन चलाने पर, और इस प्रकार के मनगढ़ंत आरोप हम पर नहीं लगेंगे। वास्तव में सदन चलेगा, चार दिन बर्बाद हो गए मानसून सत्र के। विपक्ष कहता रहा बहस कराओ बहस कराओ बहस कराओ, सत्ता पक्ष ने बहस नहीं कराई।